जहां मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले की जनपद चंदेरी की ग्राम पंचायत मुरादपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास घोटाला उजागर हुआ है और घोटाला उजागर होने के कई महीने बाद भी अशोकनगर कलेक्टर एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करना कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार की छवि को खराब कर रहा है। तो नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश रिकवार ने ग्राम रोजगार सहायक और जनपद चंदेरी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत वर्ष 243 आवास स्वीकृत हुए हैं और जिनमें भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हैं। मुद्दों के नाम पर आवास स्वीकृत कराए गए, जमीन स्तर पर नहीं बने और आवास राशि जो है वो निकाली गई है। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा आवास हितग्राहियों के बैंक के खाते बदलकर राशि अपने चहेतों के बैंक के खाते में डाली गई है, जिसकी शिकायत कलेक्टर अशोकनगर एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्रूफ के साथ शिकायत की गई थी। कई माह बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं कलेक्टर अशोकनगर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। जब मीडिया द्वारा कलेक्टर से बात की गई तो कार्यवाही का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई होती है। अभी जांच मेरी जारी है, जांच जब पूरी हो जाएगी तो हम जांच जो है आप सबको बता देंगे क्या निकला। बिंदु पे जांच कर रहा हूँ, अभी जांच के मेरे को कंप्लीट नहीं हुई है, जांच जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या निकला। मैं मुकेश राय कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत मुरादपुर। मेरी ग्राम पंचायत में इस वर्ष 243 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ की गई हैं। अगर देखा जाए तो आधार कार्ड किसी और का, बैंक खाता किसी और का लगाकर राशि स्वीकृत कराई गई है। ऐसा 10 से 15 कुटियों में ऐसा हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, उनके भी फर्जी आधार कार्ड बनाकर उन्होंने आवास स्वीकृत कराया। हमारा विचार है कि उसकी पूर्णता जाँच होनी चाहिए और जो भी तथ्य निकल के आए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए।